Boxer Pooja Rani came close to winning a medal in Tokyo Olympics. She lost in the quarterfinals, but she raised hopes that women boxers can win medals in Olympic Games. She was not the clear favorite as Mary Kom, but still she managed to create a lot of anticipation for herself. So Pooja, आपका जो ओलंपिक्स था वो बहुत ही बेहतरीन रहा, उसके लिए बहुत लोगों ने आपको शाबाशियाँ दी, कैसा रहा ओलंपिक गेम्स आपके लिए, क्या एक्सपीरियंस? देखिए, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था और मैंने जो है मेडल बाउट मैंने जो है वो लूज़ करी, मैं मेडल के बहुत करीब थी लेकिन मेडल नहीं जीत पाई, इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, जिससे मैंने बाउट लूज़ की वो वर्ल्ड चैम्पियन थी और काफ़ी अच्छी प्लेयर थी, लास्ट ओलंपिक की वो मेडलिस्ट थी, तो बस अभी यही बोलेंगे कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इनक्रेजमेंट के रूप में आपको आज टाटा अल्ट्रोस कार आपको आज गिफ्ट की जा रही है, कितनी खुशी है इसके लिए? हाँ देखिए, जब यूँ हमारा मेडल नहीं आया और फिर वो ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब जो मेडल बाउट थी जिनकी वो नहीं जीत पाए उनको हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हाँ काफ़ी अच्छा लगता है कि हमें इतना मतलब मान सम्मान दिया जा रहा है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ के करीब थे और फिर भी हमें लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट का सपोर्ट और जो जिस तरह का टॉप स्कीम वगैरह का सपोर्ट, किस तरह का सपोर्ट रहा आपके लिए और कितना हेल्प हुआ उससे आपके ट्रेनिंग में और प्रिपरेशन में ओलंपिक्स में जाने में? हाँ देखिए, टॉप स्कीम, मैं टॉप स्कीम में थी और टॉप स्कीम ने पूरा हेल्प किया मुझे, और जिस भी चीज़ की मुझे ज़रूरत थी या फिर पूरा उन्होंने बोल रखा था, कोई भी पार्टनर चाहिए, कोई भी कोच चाहिए तो आप हमें बता सकते हो, वो आपको प्रोवाइड होगा। तो हाँ, ट्रेनिंग तो यूँ था कि काफ़ी अच्छी चल रही थी, हम ओलंपिक जाने से एक महीना पहले भी हम इटली में थे, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी हमारी। यहाँ के बाद फॉरवर्ड लुकिंग आप कहाँ के लिए ट्रेन कर रहे हो, कौन से नेक्स्ट टूर्नामेंट्स हैं जहाँ पे आप खेलने जा रहे हो, क्या आपने सोच रखा है, आगे के प्लान क्या है नेक्स्ट ईयर के लिए? एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन रहेगी आपकी, कैसी तैयारी रहेगी उसके लिए? अभी जो है नवंबर में हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होनी है, तो अभी मैं उसी की तैयारी करूँगी, उसके लिए अभी बस करीब 2 महीने ही बाकी हैं, तो अभी फर्स्ट मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप को देखूँगी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, उनकी तैयारियाँ रहेंगी। कितनी उम्मीदें रखें हम आपसे, मतलब वहाँ पर गोल्ड जीतने के लिए? देखिए, ये मेरा सपना रहा है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनने की कोशिश करूंगी, तो उसी के लिए मैं अभी मेरी ट्रेनिंग करूंगी, तो मुझे लगता है कि हाँ हो सकता है। विथ हर स्टूबेंडस परफॉर्मेंस इन टोक्यो, शी हैज़ मेड मोर एंड मोर गर्ल्स गेट इंस्पायर्ड एंड गेट इन टू बॉक्सिंग, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स एन एथलीट कैन टेक फ्रॉम हर परफॉर्मेंस इन टोक्यो। थैंक यू।